सारा भारत रे कोरोना संख्या दिनक दिन बढ़िवारे लगी दृष्टि रखी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुणी लॉकडाउन लगवाई स्थिर करी लोकों सुरक्षा दृष्टि यही लॉकडाउन लगाजीव बोली मुख्यमंत्री केजरीवाल कही आसंता छह दिन यही लॉकडाउन लागू करा इतिमध्यरे डाक्तरखाना मानक बेड संख्या बढ़ावा सह अन्यान्य सुविधा करा बोली मुख्यमंत्री प्रकाश करिसंती। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है, दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ, हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार।